Hello students, this is Meena Chawla and today I will teach you the subject is operating system. So, सबसे पहले मैं आपको operating system का overview दे देती हूँ. Operating system, so what do you mean by operating system? Operating system का मतलब क्या है? So, I will give you general overview about the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करता है. सपोज आपके पास में ये सेलफोन है, ये सेलफोन में कैमरा है और कैमरे को ओपन करने के लिए हमारे पास ये ऐप है. ये कैमरा ओपन हुआ, जस्ट मेरे पास क्या है, एक ऐप है जिसके थ्रू मैं कैमरे को क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ. बट कैमरा मेरा कहाँ है? यहाँ है. और एप्लीकेशन मेरी कैमरे की कहाँ है? यहाँ है. अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है? सो दिस इज हार्डवेयर एंड दिस इज सॉफ्टवेयर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करे, कनेक्ट करे. ताकि अगर सपोज अगर आपके पास सिस्टम है और प्रिंटर है, आपको कुछ प्रिंट करना है, आपने कमांड दिया प्रिंट, तो प्रिंटर को कैसे पता चलेगा कि प्रिंट कमांड पर मुझे एक्टिवेट होना है? सो दिस इज वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि प्रिंटर आपका साइड में रखा है, जस्ट एक प्रिंट कमांड आपने माउस से क्लिक किया और प्रिंट हो जाता है. सो और प्रिंटर आपका साइड में है. सो ये वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना है. सो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर मैंने म्यूजिक प्ले किया और वो स्पीकर में कैसे कनेक्ट हो जाता है, आपका जो म्यूजिक है वो स्पीकर से कैसे कनेक्ट हुआ? ये हार्डवेयर यहाँ है और आपका जो म्यूजिक प्ले आप कर रहे हो वो यहाँ से कर रहे हो. सो कैसे कनेक्ट हुआ? सो बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ. हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आगे पढ़ते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. विंडोज होंगे, एंड्रॉयड होता है, एप्पल होता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. सारे की अपनी अपनी एक अलग क्वालिटीज है. हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपना काम विंडोज में करते हैं. व्हाई वी चूज विंडोज? क्योंकि विंडोज को सीखना बहुत इजी होता है. तो अगर हम किसी को कोई बिगनर है तो हम उसको विंडोज प्रेफर करते हैं, या नॉर्मली हमारे सिस्टम में हम लोग विंडोज को इंस्टॉल करते हैं. हम लोग कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते हैं. व्हाई? हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज योर फोर्थ यूनिट और यही हमारा आज का टॉपिक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, मैं बात कर रही थी आपको लिनक्स और विंडोज. विंडोज हम लोग इसलिए प्रिफर करते हैं बिकॉज इट इज इजी टू यूज. बट मैं अब आपको ये बताऊंगी कि हम लोग लिनक्स क्यों बेटर है विंडोज से. विंडोज से बेटर है लिनक्स. व्हाई? ये मैं आपको अभी बताती हूँ. लिनक्स क्यों बेटर? क्योंकि जो गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है या और कोई भी मेजर इंटरनेट वेबसाइट है, वो आपकी लिनक्स पर वर्क करती है. ठीक है, एयरप्लेन एंड ऑटोमोबाइल, एंटरटेनमेंट, इवन जो टीवी पर आपके प्रोग्राम रन होते हैं वो भी लिनक्स के थ्रू होते हैं. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिनक्स सर्वर के थ्रू ही आपका टीवी चैनल रन होते हैं. एंड्रॉयड फोन और जो भी फोन है वो आपका किस में परफॉर्म होता है? लिनक्स में होता है. इवन जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट पर वर्क हो रहा है, वो भी कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर नहीं करते हैं, वो लोग लिनक्स को प्रेफर करते हैं. इसके अलावा जो लिनक्स है वो रोबोट्स आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप रोबोट को रन करते हो, उसको मूव कराते हो, उसको ऑपरेट करते हो, तो वो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वर्क करता है. सो आपने देखा कि लिनक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी जगह यूज होता है, इतनी इंपॉर्टेंट जगह यूज होता है, वो आप देख चुके हो. अब मैं आपको पढ़ाऊंगी लिनक्स का आर्किटेक्चर. लिनक्स आर्किटेक्चर में क्या है? मेन जो आपका हार्डवेयर है वो देन कर्नल, देन शेल, देन एप्लीकेशंस और देन आएगा आपका यूजर. तो हार्डवेयर, कर्नल क्या होता है और कर्नल क्या करता है? कर्नल आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है. सपोज रोम, रेम, किसी चीज को रन करने के लिए कितना मेमोरी चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, या जो भी हार्डवेयर हमारे होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उन्हें कौन हैंडल करता है? कर्नल हैंडल करता है. सो हम अब आते हैं शेल पर.
शेल क्या करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है। सपोज अगर मुझे हिंदी आती है और आपको मराठी आती है, बट मुझे मराठी नहीं आती और आपको हिंदी नहीं आती, सो हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? वैसे ही कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, इंग्लिश या हिंदी नहीं समझेगा, सो वो कैसे आपके साथ पे कम्युनिकेशन करेगा? तो शेल क्या करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है, राइट? तो शेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में ये सारे एप्लीकेशंस हार्डवेयर से कनेक्ट करेगा, जो हार्डवेयर से कमांड आई है उसको एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करवाना, उन दोनों को क्या करना, कनेक्ट करना है। किसका काम होता है? शेल का काम होता है। सो अब मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप लिनक्स पढ़ रहे हो तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। क्यों हम आपको लिनक्स पढ़ा रहे हैं? बिकॉज अगर आप लिनक्स सीखते हो तो आपको जानते हो कि इसका कितना यूज है। आज जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो लिनक्स में हो रही है, और अगर आप लिनक्स को सीखते हो तो आपके 100% जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी स्टूडेंट्स कि सिर्फ पढ़ना, थ्योरी पढ़ना ही सफिशियंट नहीं है। आप लिनक्स को इंस्टॉल करो, उसको सीखो और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, राइट? सो कई बार ये होता है कि हमारे सिस्टम में विंडोज होता है तो हमारे काम इजीली हो जाते हैं। अब सडन लिनक्स को अगर इंस्टॉल करते हो तो फिर आपको कई काम करना मुश्किल हो जाएंगे जो कि विंडोज में आसान होते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आपके सिस्टम में रहेगा विंडोज ही, बट आप वर्चुअल मशीन का यूज करोगे। वर्चुअल मशीन का यूज करोगे मीन्स वर्चुअल मतलब टेम्पररी। आप विंडोज तो रहेगा ही, आप VMware और Oracle दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू आप विंडोज के अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? VMware बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अलाउ कराता है कि आपके सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप दूसरा भी अलाउ कर सकते हो। बट ये इट इज नॉट फ्री, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। बट Oracle इट इज फ्री, बट इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, 90% दे आर सेम। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप ओरेकल को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप लिनक्स का यूज कर सकते हो। देन आप लिनक्स इंस्टॉल करिए और यूज करिए, उसको सीखिए, आगे बढ़िए लाइफ में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट